गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे हनुमान जी के 3 शब्दों के मंत्र के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ, जिसको हनुमान जी पर श्रद्धा और भक्ति रखकर बोलने से आपके जीवन में मान सम्मान, इज्जत और हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको लाख कोशिश करने के बाद भी इज्जत और सफलता नहीं मिल रही है, तो यह हनुमान जी का मंत्र आपको अत्यंत लाभदायी और उपयुक्त साबित होगा। और यह प्रयोग करने की विधि सरल और आसान होने के कारण सर्व हनुमान भक्त इसका बिना परेशानी से प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के बारे में इसके पूर्व भी मैंने बताया है, लेकिन यह एक आजमाया हुआ लाभदायी हनुमान मंत्र है, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में फिर से जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाएगा तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। यह मंत्र श्री हनुमान सहस्त्र नामावली स्तोत्रम में हनुमान जी के 1000 नामों में वर्णित नाम क्रमांक 84 व्यापक यानी कि सर्वव्यापी पर आधारित है। अब मैं आपको इस मंत्र के विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। इस मंत्र का प्रयोग किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है और साधक इस मंत्र को एक संकल्प लेकर निर्धारित दिनों के लिए एक निर्धारित संख्या या समय के लिए बोल सकता है। उदाहरण की तौर पर अगर साधक इस मंत्र का प्रयोग 21 दिनों के लिए करना चाहता है, तो उसे यह संकल्प लेना है कि वह इस मंत्र का प्रयोग 21 दिनों के लिए करेगा। और अगर साधक इस मंत्र को एक निर्धारित संख्या में बोलना चाहता है, जैसे कि 1 माला 2 माला, तो वह उसे संकल्प में जोड़ सकता है। जिन साधकों को माला के साथ मंत्र जाप करने में मुश्किल होती है, वह साधक इस मंत्र को एक निर्धारित समय जैसे कि 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बोल सकता है। मंत्र का जाप सवेरे स्नान करने के बाद करना है और मंत्र जाप शुरू करने के पहले हनुमान जी का स्मरण करें, मंत्र का वाचिक या मानसिक जाप करें और इसके अलावा इस मंत्र को बोलने के लिए विशिष्ट पूजा विधि, दिशा, आसन, माला इत्यादि का कोई भी बंधन नहीं है। सिर्फ हनुमान जी पर श्रद्धा और भक्ति रखकर मंत्र बोले। पहले मैं आपको इस हनुमान जी के मंत्र का अर्थ बताऊंगी, फिर उसके बाद मंत्र बताऊंगी। मंत्र का अर्थ ऐसा होता है, सर्वव्यापी श्री हनुमान जी को मेरा नमन। आई सैल्यूट द ऑल इनकम्पसिंग लॉर्ड हनुमान। अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम व्यापकाय नमः। ओम व्यापकाय नमः। मंत्र फिर से एक बार सुनिए, ओम व्यापकाय नमः। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।